इसलिए तो आला हजरत ने कहा था ना, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाए और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा तम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। अब कोई एतराज करे तो कर, जमीले कादरी बहुत अच्छी बात की यार, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। मैं अब उनको क्या जवाब दूँ, जो जिक्र यहाँ किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला मुदल्लल हदीस और कुरान की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला होगा, औलियाए कामलीन के अकवाल के मुताबिक होगा। अब जिसको एतराज होगा वो यहाँ आके एतराज करे ताकि यहीं उसको जवाब दिया जाए। खाली पीठ पीछे से एतराज करने से काम नहीं चलेगा। हम और आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं यार, इसमें और क्या बिदअत हो सकता है, क्या शिर्क हो सकता है यार, इसमें कौन सा गुनाह हो सकता है? क्यों लोग रोकते हैं मिलाद मनाने से, क्यों लोग इसको बुरा कहते हैं? मैं तो आज तक समझ नहीं पा रहा हूँ यार, कोई उम्मती अपने नबी का जिक्र करे और ये बिदअत हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है? अगर उम्मती मुस्तफा का जिक्र करे तो ये बिदअत, और जो रब ने किया उसे क्या कहेंगे? क्या रब ने मुस्तफा का जिक्र नहीं किया? क्या रब ने मुस्तफा की तारीफ को नहीं बयान किया? क्या मुस्तफा की तारीफ को रब ने नहीं बयान किया? क्या मुस्तफा की अजमत को रब ने नहीं बयान किया? यार पूरा कुरान उठाकर देखो, 30 पारे 6666 आयते हैं, 114 सूरते हैं, उठाकर देखो पढ़ो और समझने की कोशिश करो, एक आयत तो ऐसी लाओ जो मुस्तफा के जिक्र में ना हो, एक आयत तो लाओ जिसमें मुस्तफा का जिक्र ना हो। जबकि कुरान में कहीं रब ने, कुरान में रब कहता वल्लाह, कभी कहता है यासीन, कभी कहता है ता, रब्बे कायनात ने मुस्तफा की तारीफ को तो यूं बयान किया और ये हुक्म हो गया कि ऐ लोगों तुम मुस्तफा का जिक्र करते जाओ, मैं तुम्हारा चर्चा करता जाऊं। कुरान शाहिद है, कुरान कभी अलम नशरह लका सदर कह रहा है, कभी सुभान अल्लज़ी असरा कह के याद कर रहा है, कभी वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह के याद कर रहा है। अब फतवा लगाना हो, एतराज करना हो तो हमारे ऊपर ना करो, कुरान के ऊपर करो। और मेरा दावा है जो कुरान पर शक करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो हम पर क्यों एतराज करते हो यार? हम कुरान के अकॉर्डिंग ही बयान करते हैं। हम सुन्नियों का अकीदा है कि मुस्तफा थे, मुस्तफा हैं और मुस्तफा रहेंगे। अब इनके गुरु घंटालों ने लिखा कि नाउज बिल्लाह मिन जालिक, मुस्तफा मर के मिट्टी में मिल गए। ये लिखने वाले लिख रहे हैं ऑपरेटर साहब, इसका थोड़ा खुद के मौलवियों के बारे में लिख रहे हैं, वो कब्र से हमारी हाजत रवाई करते हैं, दस्तगीरी करते हैं। आवाज नहीं सुन रही। मैं तो चाह रहा था कि आज कुछ बयान हो जाए, लेकिन इन्होंने छेड़ दिया, तो मैं चाह रहा था कि इनको छेड़ ही दूं, क्या करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। क्या बनाकर भेजा है? रहमत बनाकर भेजा है। अब मुस्तफा रहमत बन के तशरीफ लाए, अब मुस्तफा की तारीफ किसने बयान की है? ये रब ने। ये क्या तारीफ नहीं है? हम जो जिक्र कर रहे हैं ये भी तारीफ है, ये बयान है यार। कोई उम्मती अपने नबी की तारीफ करे उसे जिन की जरूरत नहीं पड़ती, उसे किसी टाइमिंग की जरूरत नहीं है, उसे कोई दिन की जरूरत नहीं, वक्त की जरूरत नहीं, जब उसका दिल चाहेगा मुस्तफा का तराना गुनगुनाना शुरू कर। जरूरी नहीं है 12 रबीउल अव्वल ही हो, जरूरी नहीं 11वीं शरीफ ही हो, जब जब दिल करेगा तब मुस्तफा पर दुरूद पढ़ेगा।
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत दूर की बात, बहुत दूर की बात, अरे वहां छोड़ो, आओ गौसे आजम की बारगाह। सरकार गौसुल आजम अभी दुनिया में आए नहीं, अभी दुनिया में आए नहीं और उनका जिक्र पहले हो रहा है। अभी आए नहीं है, जिक्र पहले, जब 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 हजरत उवैसे करनी ये नियत लेके गए थे कि आज मुस्तफा को मुस्तफा का दीदार करेंगे। मैं वाकया सुनाना नहीं चाहता, मैं मुख्तसर में बताना चाहता हूँ कि गौसे आजम देखो और उनका मकाम देखो। अरे जब औलाद का ये मकाम है तो सोचो नाना का मकाम क्या होगा, मुस्तफा की शान क्या होगी। यार अभी आए नहीं है, अभी तो मुस्तफा जलवागर हैं जमीन पर, मुस्तफा चल रहे हैं, मुस्तफा बयान फरमा रहे हैं। और सहाबा से भी कहा था ए मेरे गुलामों, ए मेरे चाहने वालों, जरा गौर से सुनो, जैसा मेरा मकाम है ना नबियों में, जैसा मेरा मकाम है नबियों में, ऐसे ही मकाम औलिया में एक का होगा। जैसा मेरा मकाम अंबिया में है नबियों में है, ऐसा ही मकाम वलियों में एक का होगा। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह वो कौन होगा, कौन? तो मेरे आका ने फरमाया कोई और नहीं, मेरी ही वंश में पैदा होगा। जब इतना फरमाया ना सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह इतना बता दिया तो और आगे बढ़ के बता दीजिए ना वो कौन है। तो सरकार रसूल आजम रदियल्लाहु तआला का मकाम मुलाहिजा करो। मेरे आका फरमाते हैं साहबियों सुनो, ऐ मेरे मानने वालों सुनो, जैसा मकाम मेरा अंबिया में वैसा ही मकाम उसका औलिया में, और मेरी ही वंश में पैदा होगा और वंश में पैदा होगा उसकी जगह भी सुनो, उसका शहर सुनो, वो शहर गिलान में पैदा होगा। और जब वो शहर गिलान में पैदा होगा तो सुनो मैं उसका नाम भी बता देता हूँ, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। ये कौन बयान कर रहा है? मुस्तफा बयान कर रहे हैं। अभी आए नहीं सरकार गौसे आजम, अभी आए नहीं है, जिक्र पहले आने वाले हैं, अभी आए नहीं है आने वाले हैं। मोहब्बत यार बोल दो सुभान अल्लाह, अभी आए नहीं है आने वाले हैं। हजरत वैसे करनी कहते ना सरकार की बारगाह में या रसूलल्लाह आपका दीदार हो जाए, वक्त लेके गए थे, माँ से वादा किया था। मुख्तसर में बताऊं मुस्तफा का दीदार नहीं हो पाया, वापस आ गए। मुस्तफा को पता चला कि मेरा एक आशिक आया था कर्ण से, उसका नाम उवैस था। जब उनको मालूम चला कि यार ऐसा आशिक आया था तो मेरे आका ने अपना जुब्बा मौला अली को दिया कि जाओ मेरे आशिक को दे देना, आशिक को दे देना, चले चले अली कर्ण पहुंचे। मालूम करा एक आशिक रसूल उवैस, उनका नाम बहुत सुना है, वो कहां रहते हैं? तो बताने वालों ने बताया वो सामने घर देख रहे हो ना, इसी में उवैस रहते हैं, लेकिन तुम उनसे मिलने के लिए आए हो। उन्हें जमानत दीवाना कहता है, उन्हें मस्ताना कहता है, उन्हें मजनू कहता है, उन्हें तो दीवाने लोग कहते हैं। आप उनसे मुलाकात के लिए आए हो क्या? हाँ मैं उसी से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। वो हर वक्त नबी नबी करता रहता है, उसकी जुबान पर हर वक्त नबी नबी रहता है, उसकी जुबान पर हर वक्त दुरूद सलाम रहता है, उसकी जुबान पर हर वक्त मुस्तफा का तराना रहता है। हाँ वही उसी उवैस से मिलना है, चलो चलो उसी से मुलाकात करते हैं। तो उसे उवैस से मिलना है जो बच्चों से बड़ी मोहब्बत करता है, बच्चे लोग उसे चिढ़ाते हैं, बच्चे उसे पत्थर मारते मारते हैं, लेकिन वो कभी पलटकर उसको गाली नहीं कहता, कभी बच्चों को बुरा नहीं कहता, कभी वो पत्थर उठाकर बच्चों को नहीं मारता, बल्कि बच्चों को बड़ी मोहब्बत से उसके साथ पेश आता है। तुम उसी उवैस से मिलना चाहते हो कि जो अपने जानवरों को चराता हुआ घूमता है, लोग उससे मजदूरी करवाते हैं और कभी कभी उसे पैसे नहीं देते, वो उसकी शिकायत नहीं करता है, लोग उससे पैसे छीन लेते वो शिकायत नहीं करता है, लोग उसे सिता सताते हैं वो उसे परेशान करते हैं वो शिकायत नहीं करता, उसी उवैस से मिलना है। मौला अली ने कहा हाँ उसी उवैस से मिलना है, घर बता दो। क्या वही सामने वाला घर देख रहे हो ना? उसी घर में चले जाओ। मौला अली तशरीफ ले जाते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, दरवाजे पे
दस्तक की गई, पूछा गया कौन है, कब मेरा नाम अली है, मदीना से आया हो। जब इतना सुना कि मदीना से आए हैं, फौरन दरवाजों को खोला और पूछा ये बताओ तुम कहां से आए, मदीना से आए हैं। अब तो पूछना और आगे कुछ पूछा ताछा नहीं है, अब कुछ और बातचीत नहीं करी है, बल्कि हजरत उबैद करनी ने एक आशिक रसूल ने अपने आशिक होने का सबूत दे दिया है और कहा सुनो ये बताओ मुस्तफा कैसे हैं, ये बताओ मेरे आका कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं, अमीना के लाल कैसे हैं। मौला अली ने कहा वो ठीक हैं और आपको याद फरमाया, आपको मोहब्बत से पेश आया, आपको सलाम पेश किया और साथ ही साथ में एक तोहफा भी दिया है। ये तोहफा लेकर मैं आपके पास आ गया हूँ। क्या तोहफा दिया है? क्या मुस्तफा जाने रहमत ने, शमे बस में हिदायत ने, सारे नबियों के इमाम ने, वजह तखलीक कायनात ने अपने जुब्बे मुबारक को तुम्हारे लिए भेजा है और कहा है कि उबैद से कहना इस जुब्बे को पहन ले और पहनकर मेरे उम्मती के लिए दुआ कर ले, मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। हजरत उबैद से करने ने अर्ज किया मौला अली सुनो सुनो, मैं ही तो तुम्हारे मेरे आका की मोहब्बत है मुझ गुनहगार पर कि अपना जुब्बे मुबारक मेरे लिए भेज दिया, लेकिन मैं इस कहां काबिल हूं कि मुस्तफा का जुब्बा पहन लूं। मौला अली ने कहा है कि मुस्तफा ने फरमाया है इस जुब्बे को पहन के उनकी उम्मत के लिए दुआ करना है। जब उबैद ने इतना सुना ना तो जुब्बे को पहन लिया और पहनने के बाद सजदे में गिर गए और रब से दुआ करने लगे, मौला परवरदिगार आज तेरे महबूब का जुब्बा पहना है, सारे नबियों के इमाम का जुब्बा पहना है और मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करने वालों, ऐ मुस्तफा को बुरा भला कहने वालों, मुस्तफा को गालियां देने वालों, मुस्तफा को गद्दार कहने वालों, मुस्तफा को जादूगर कहने वालों, मुस्तफा को मजनू कहने वालों, मुस्तफा को मुर्दा कहने वालों, अरे मुस्तफा को इल्मे गैब पर एतराज करने वालों, मुस्तफा की मदद से मुस्तफा से मदद मांगने पर एतराज करने वालों, कान खोल कर सुनो, यहाँ मुस्तफा नहीं है बल्कि मुस्तफा से जिस्म से टच होने वाला चुप्पा है। मौला अली ने दे दिया है, उबैद ने चुप्पा पहन लिया है, सजदे में गिर गए, अर्ज करने लगे मौला आज मेरे हाल को ना देख, मेरी कंडीशन को ना देख, मेरे आमाल को ना देख, बल्कि अपने महबूब के चुप्पे को देख ले, आज मैं तेरे महबूब का चुप्पा पहना हुआ हूँ, उस महबूब के चुप्पे को देख ले, इस चुप्पे की बरकत से मेरी दुआ कबूल कर ले और मुस्तफा की उम्मत को बख्श। आधी उम्मत तुम्हारी दुआ से बख्श दी गई है, आधी उम्मत अब बाद में बख्शी जाएगी। जब एक और मेरा बंदा हालत सजदा में जाएगा, सजदे में गिर कर मेरे महबूब की उम्मत के लिए दुआ करेगा, उसकी दुआ से आधी उम्मत उस वक्त बख्शूंगा। हजरत उबैद से करनी कहते हैं मौला अभी मैं सर नहीं उठाऊंगा, पूरी उम्मत को बख्श दे। रब कहता है नहीं नहीं, एक और बंदा पैदा होगा, एक और मेरा चाहने वाला पैदा होगा, एक और मेरा मानने वाला पैदा होगा, मैं उसकी दुआ से आधी उम्मत को बख्श दूंगा। हजरत उबैद से करनी अर्ज करते हैं मौला इतना तेरी बारगाह में मकबूलियत को पहुंचा हुआ बंदा है, कौन है वो बंदा मुझे भी बता दिया जाए। तो रब कहता है जानना चाहता है उबैद तो सुन ले, निदा गाती है उबैद सुन, उसका नाम अब्दुल कादिर होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर होगा, शहरे जिलान में पैदा होगा और सुनो वो मेरे ही महबूब के औलादों में पैदा होगा। हजरत उबैद से करनी अर्ज करते के मौला जब तूने इतना ही बता दिया है ना, उसका नाम बता दिया है, तूने खानदान बता दिया है, तूने शहर बता दिया है, मौला अब इतना भी बता दे उसकी पहचान क्या होगी। तो रब फरमाता है सुन, उसकी पहचान यह होगी जब बगदाद के मिंबर पर जामा मस्जिद से ऐलान करेगा कदम हाजिही अला रकबते कुल्ली वली अल्लाह, मेरा कदम दुनिया के तमाम वलियों के कदमों पर है, जो उसके इस ऐलान को मान लेगा मैं उसे अपना महबूब बंदा बना। नारे तकबीर, नारे गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, सरकार गौसुल आजम है, अभी आए नहीं है, अभी आए नहीं है, आने का जिक्र पहले हो रहा है, ऐलान पहले हो रहा, शजरा पहले बताया जा रहा, नसब पहले बताया जा रहा, खानदान पहले बताया जा रहा, नाम पहले बताया जा रहा, शहर पहले बताया जा रहा, पहचान पहले बताई जा रही है कि वो
वो आने वाले हैं, अभी आए नहीं। शान मुलाहिजा करो गौसुल आजम की। एतराज करने वाला तो यार कर देता है, यार क्या गौसे आजम की ग्यारहवीं मना रहे हो, क्या जिक्र कर रहे हो? हमें यार मैं जिक्र कर ही नहीं सकता हूँ। गौसे आजम खुद फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूँ ना मेरा कोई नाम ले ही नहीं, जब तक मैं ना चाहूँ कोई नाम ले ही नहीं सकता, मैं क्या लूंगा? गौसे आजम चार है तब नाम ले रहा हूँ। नजरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अभी आए नहीं, वैसे करनी अर्ज करते हैं, मौला जब इतना बता दिया है ना तो सुन मेरी भी दुआ कबूल कर ले। क्या तेरी क्या अब क्या दुआ है? तो हजरत वैसे करनी अर्ज करते हैं, मौला परवरदिगार इतना मकाम इतना आला इतना मनसब पर फैज होने वाला तेरा वो महबूब बंदा जब दुनिया में आएगा, जब वो ऐलान करेगा और इसका ऐलान लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये उवैस अभी से ये ऐलान करता है कि उस अब्दुल कादिर का कदम सिर्फ मेरे कांधों पर ही नहीं बल्कि सर और आंखों पर भी है। अभी आए नहीं है, पहले ऐलान हो गया कि उनका कदम मेरे सर और आंखों पर भी है। अभी आए नहीं है, और शान मुलाहिजा करो वो आने वाले अपनी माँ के शिकम में। मैं बहुत मुख्तसर कर दूं, माँ के जरा मोहब्बत से बोलो, माँ के शिकम में हूँ, शिकम में है सरकार। और एक बात यहाँ से और सुनते हुए चले, यहाँ से और दस भी लेके चले, हमारे घर में की जो घर के हालात खराब हुए ना वो यहाँ से दर्स हासिल करो मेरे अजीज। शादी का मौका है, यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ, अपने घर को यहीं से आज चेंज कर देना। बाहर तुम्हारे घर में आएंगी, बाहर तुम्हारे घर का तवाफ करेंगी, बरकतें तुम्हारे घर की जो है तवाफ करेंगी, इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में तुम कामयाब हो जाओगे। सरकार गौसे आजम अभी माँ के पेट में है, मकाम मुलाहिजा है, माँ के पेट में है। माँ आप क्या, माँ काम करती है ना तो कुरान की तिलावत, कुरान पढ़ती है, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ती है, मुस्तफा की नाते पढ़ती हैं। आज हालात क्या हैं, हमारे घर में क्या हालात हो रहे हैं, क्या हालात हो रहे हैं? टीवी चलाई जा रही है, मोबाइल चलाया जा रहा है, तस्वीरें घरों में लगा कर बच्चों की तस्वीरें लगा दी जाती हैं और उनको देखते हैं और इस उम्मीद पर देखते हैं कि बस मेरा बच्चा इसी की तरह हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हमारे घर के, ये हमारी सोच हो गई माँ और बहनों, ये हमारे भाइयों की सोच हो गई, ये हम यह तस्वीर लगाएंगे उसको देखेंगे उसी की तरह हमारा बच्चा हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। सोच यार देखो, सोच तो ये होना चाहिए कि मेरा बच्चा कुछ बने या ना बने, गुलामे गौसे आजम बन जाए। गौसे आजम की माँ रोटी बना रही है तो कुरान की तिलावत, झाड़ू लगा रही है तो कुरान की तिलावत, बर्तन धो रही है तो कुरान की तिलावत, खाना पका रही है तो कुरान की तिलावत, आटा गूंद रही है तो कुरान की तिलावत, रोटी सेक रही है तो कुरान की तिलावत, बैठ रही है तो कुरान की तिलावत। गौसे आजम माँ की पेट के अंदर सुन रहे हैं, सब सीमात फरमा रहे हैं, पावर मुलाहिजा कराओ। अरे तुम मुस्तफा की जात पर एतराज करते हो, मुस्तफा नहीं है ये नबी नहीं है बल्कि वली है वली, और देखो कैसे वली की पावर मुलाहिजा कराओ। माँ के पेट में है कुरान की तिलावत तो सीमात कर रहे हैं, माँ कुरान की तिलावत करती जाती ये पेट में रहकर सुनते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसुल आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन ऐसा भी आ गया कि दुनिया में तशरीफ ले आए, यकम रमजानुल मुबारक को आप दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, आपकी उम्र शरीफ 4 साल 4 महीने 4 दिन की हो गई है। अब माँ कहती है बेटा सुनो, तुम्हें कहीं और नहीं भेजा जाएगा, किसी और इल्म से आरास्ता नहीं किया जाएगा, सबसे पहले सुनो, जाओ कायदा उठा लो और कायदे के सीने से लगा लो, जाओ कुरान की तालीम सीख लो, जाओ कुरान की जिया अपने सीने में तार लो, कुरान की जिया से अपने सीने को मुनव्वर कर लो, जाओ कुरान की आयतों को अपने सीने में बसा लो, जाओ कुरान की आयतों को हिफ्ज कर लो ताकि तुम्हारा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बन जाए, जाओ कुरान की तालीम से आरास्ता हो जाओ। सरकार गौसे आजम नन्हे नन्हे कदमों को घर से निकालते हैं, कायदे को सीने से लगा लिया है, मदरसे की तरफ बढ़ रहे हैं गौसे आजम, नन्हे नन्हे कदम बढ़ा रहे हैं। आज 4 साल 4 महीने 4 दिन की आपकी उम्र शरीफ है, आज रस्म बिस्मिल्लाह मनाई जा रही है। सरकार गौसे आजम घर से बाहर निकलते हैं, मदरसे की तरफ जाते हैं और रास्ते में फरिश्ते एक दूसरे से कहते जाते हैं रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, रास्ते से हट जाओ, इसलिए अपने वक्त का कुतुब आ रहा है, अपने वक्त का अब्दाल आ रहा है, अपने वक्त का वलियों का सरदार आ रहा है, अपने वक्त का गौस आ रहा है, रास्ते तो छोड़ दो, रास्ता छोड़
छोड़ दो। सरकार गौसे आजम नन्हे नन्हे कदमों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, मदरसे के अंदर दाखिल हो जाते हैं, दरसगाह में जाके बैठ जाते हैं, उस्ताद मोहतरम से मुलाकात होती है, सलाम दुआ होती है, मुसाफा होता है। सरकार गौसे आजम के उस्ताद मोहतरम कहते बेटा अब्दुल कादिर आज तुम्हारी रस्म में बिस्मिल्लाह है, आज पहला दिन है, आज पहली क्लास है, आज तुम पहले दिन आए हो मदरसे के अंदर, आओ कायदा लाए हो, कहां हुजूर कायदा लेकर आए हैं सामने रखो। सरकार गौसे आजम ने जो सीने से लगाकर कायदा लाए थे उस कायदे को सामने रखे थे। सरकार गौसे आजम के उस्ताद कहते हैं बेटा पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना जब शुरू करा है कहा बेटा पढ़ो औजु बिल्लाह की मिनश शैतानिर रजीम, गौसे आजम ने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाह की रहमानिर रहीम, अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ना शुरू कर दिया है। सरकार गौसे आजम के उस्ताद पढ़ाते पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरे सूरह फातिहा उस्ताद मोहतरम ने पढ़ा दी, उस्ताद खामोश हो गए। अब गौसे आजम ने पढ़ना शुरू कर दिया है, गौसे आजम पढ़ते जा रहे हैं, आंखों को खोलते हैं, गौसे आजम अपने उस्ताद को देखते हैं, आंखों को बंद करते हैं, फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, पढ़ते जा रहे, आंखों को खोलते हैं, उस्ताद को देखते हैं, फिर आंखें बंद करते पढ़ते जाते, पढ़ते जाते, पढ़ते जाते, हत्ता के 17 पारे पढ़ने के बाद जब गौसे आजम ने अपनी आंखों को खोला तो देखते क्या है, वो उस्ताद बैठे हुए थे, उठ के खड़े हो गए और कहने लगे अब्दुल कादिर ये तो बताओ कब पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो। अल्लाह अकबर भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला कितनी शान है यार, तो मुस्तफा की शान पे एतराज करते हो। देखो सरकार गौसे आजम 4 साल 4 महीने 4 दिन के हैं, 17 पारे कहां थे बेटा। पहली बार सुन रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि रस्म बिस्मिल्लाह आज, पहला क्लास आज, पहली दसगाह आज, कायदा लेकर आए थे, 17 पारे बगैर देखे देख के भी नहीं, कहां कहां थी हमें तो ये बताया गया था आज पहली दिन पहला दिन है, आज इस रस्म बिस्मिल्लाह है, ये कहां से 17 पारे हिफ्ज करके आए हैं, इतनी अच्छी तजवीद के साथ में, इतनी अच्छी लहजे के साथ में, इतनी अच्छी किरत के साथ में, इतना अच्छा कुरान पढ़ा, इतना अच्छा कुरान कहां से सीखा, कहां से, कौन उस्ताद बनाया था, कौन उस्ताद है तुम्हारा, किसने पढ़ाया। तो गौसे आजम ने कहा सुनो ये हमने पारे दुनिया में याद नहीं करे बल्कि अपनी माँ के पेट में याद करे। लाओ कोई ऐसा, लाओ कोई ऐसा, सारी देवंदियां देख कर सारे नतवा वाले मर के मिट्टी में मिल जाएंगे, सारे सहारनपुर वाले एड़िया रगड़ रगड़ के मर जाएंगे, लेकिन गौसे आजम की शान का जवाब नहीं ला। ये गौसे आजम है यार, ये गौसे आजम है, उनके मकाबिल का कोई नहीं ला सकते, तो मुझे कह लेने दिया जाए। अरे जब गौसे आजम का कोई सानी नहीं हो सकता तो मुस्तफा का सानी कहां से लाओगे। कहते हो मुस्तफा आखिरी नबी और उसके बाद अगर कोई नबी आ जाए तो उनकी खत्म नबूवत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि खुद मुस्तफा फरमाते हैं अना खातुमुन नबीय्यीन ला नबिय्या बाद, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अरे ये तो मुस्तफा की शान है यार, गौसे आजम की तरह बनके तो दिखा, गौस तो गौस रहा उसके कदमों की धूल नहीं उड़ सकती, ये गौसे आजम रजी अल्लाह तआला है। लेकिन मेरे अजीजो खारी गौसे आजम की करामतें सुन सुन कर अपने दिल को ना बहलाओ, मैं बहुत कड़वी बात कहता हूं, खाली जरूरी नहीं डेगे उतार दो, बिरयानी भी बिरयानियां क्या मतलब, क्या गौसे आजम ने ये कहा था बिरयानी पकाते रहो खिलाते रहो खाते रहो जन्नती। आज यार शेर बहुत पढ़ते हैं आला हजरत का लोग, मैं आला हजरत के शेर पर एतराज नहीं कर रहा हूँ, आला हजरत के एक लफ्ज पर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, आला हजरत के इस शेर पर मेरा ईमान और अकीदा है, लेकिन मैं अपना मुहासबा करूं, वो आला हजरत का शेर से और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। यार ये तो सब ठीक है, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, मिसरे उला भी पर ईमान, ये भी ठीक, ये भी सही बात कि जन्नत रसूलुल्लाह की, ये भी सही बात।
आला हजरत ने जो कहा वो सही ठीक कहा, आला हजरत के सब ठीक, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं और ये जमाने वालों को बता रहे हैं तो यहाँ पर गौर करना होगा कि क्या हम रसूलुल्लाह के हैं, क्या हम हैं रसूलुल्लाह के। ये तो सही बात है कि जन्नत रसूलुल्लाह की, लेकिन ये कभी गौर किया कि हम रसूलुल्लाह के हैं, हम हैं रसूलुल्लाह के। नमाजों का पता नहीं हम रसूलुल्लाह के, रोजों का पता नहीं हम रसूलुल्लाह के, ज़कात का पता नहीं हम रसूलुल्लाह के, हमारे अखलाक का पता नहीं हम रसूलुल्लाह के, हमारे किरदार का पता नहीं हम रसूलुल्लाह के, हमारे उठने बैठने का अंदाज कैसा होना चाहिए ये पता नहीं हम रसूलुल्लाह के, हमारा लिबास कैसा होना चाहिए लेकिन हम रसूलुल्लाह के, हमारा तरीका यहूदियों की तरह हो चुका है लेकिन हम रसूलुल्लाह के, हमारा तरीका गैरों की तरह हो चुका है लेकिन हम रसूलुल्लाह के, हमारा लिबास गैरों की तरह लेकिन हम रसूलुल्लाह के, हमारे बाल सर के दूसरों की तरह लेकिन हम रसूलुल्लाह के, हम अपने चेहरों से दाढ़ियां नोच नोच कर नालियों में बहाते रहे लेकिन हम रसूलुल्लाह के। याद रखो मेरे अजीजों, जन्नत तो रसूलुल्लाह की है, ये तो बात हक है, लेकिन हमें भी रसूलुल्लाह का बनना हो, हमें बनना होगा रसूलुल्लाह का। कहीं ऐसा ना हो कि मैदान में मुस्तफा तशरीफ लाए और हमसे मुंह फेर ले। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलु फिस्सिल्मि काफ्फा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे दाखिल हो जाओ इस्लाम में, खाली सर पे टोपी लगाकर, खाली ग्यारहवीं मनाकर मुसलमान नहीं, बल्कि पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आज क्या हो रहा है साहब, ग्यारहवीं शरीफ के डेग उतार दिया, एक नहीं पचास के डेगे उतार रहा है, अब वहां जाइए। मैंने एक साल मेरे पास बहुत दावतें आई ग्यारहवीं शरीफ की, मैंने हर एक शख्स से ये कहा जिसने मुझे दावत दी, मैंने उनसे यही बात की कि मुझे मत खिलाओ, मुझे मत खिलाओ अपनी ये बिरयानी वगैरह, हो सकता मैं खा के चला जाऊं, और ये तो हो सकता है इतना जरूर कह दें यार बिरयानी बहुत अच्छी थी, सिर्फ इतना कह के चला जाऊं, ये हो सकता है इतनी तारीफ कर दूं कि यार आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया, बस इतना कह के चला जाऊं। लेकिन किसी गरीब को अगर बुलाया होता ना, किसी गरीब को बुलाया होता जिसको ये कभी कभी मैसर होता है या किसी को होता भी नहीं, उसको बुलाया होता, वो आता ना बैठता, एक लुकमा खाता, उसके हलक से नीचे बाद में उतरता, तुम्हारे लिए दुआ पहले कर देता, लुकमा उसके शिकम में नहीं पहुंचता, तुम्हारी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाती, तुम्हारी नियाज भी कबूल हो जाती, तुम्हारी अकीदत की मोहब्बत भी कबूल हो जाती। लेकिन क्या है अफसोस, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कारी साहब कह शहर का मैंने बहुत करीब से जायजा लिया है कि इतनी ग्यारहवीं शरीफ क्या मनाई जाती है, यहाँ डेगो पे डेगे उतारी जाती हैं, लेकिन जब मैंने देखा खाने वाले कौन आ रहे, फोर व्हीलर से उतर रहे हैं, खाने वाले कोई मंत्री आ रहे हैं, खाने वाले कोई नेता आ रहे हैं, खाने वाले कोई प्रोफेसर आ रहे हैं, खाने वाले अपने वक्त के बेहतरीन मालदार इंसान आ रहे हैं, यार मैं उनको मना नहीं करता, उन्हें भी खिलाओ, प्रोफेसर को भी खिलाओ, इंजीनियर को भी खिलाओ, मंत्री संतरी को भी खिलाओ, जहाँ इनको बैठा लो वहाँ अपने मोमिन भाई किसी गरीब को भी बैठा लो, और ये बता दो एक ही सब में खड़े हो गए महमूद हो या ना कोई बंदर है, ना बंदर, हम एक सब में बैठने वाले हैं। आज क्या हम कहाँ से आ गए, हम तो सब एक थे ना, एक थे। आज चेहरा देख के दावत दी जा रही है, वही शादियों का हाल हो गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह हु अकबर, मैंने दुआ की है मेरे मौला ऐसा किसी इंसान के साथ न कर, मेरे मौला इनको इतना अता कर दे, इतना अता कर दे, ये कभी किसी दरवाजे पे हाथ फैलाने वाले ना बने। कभी कभी तकलीफ होती है यार, मैंने देखा मेरी लान के अंदर था, वो एक मांगने वाला सवाल करने वाला आया और दो रोटी मांग रहा था कि मुझे दो रोटी दे दो, थोड़ा सालन दे दो ताकि मैं कुछ खा लूं, अपनी पेट की आग को बुझा लूं, भूख लग रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, एक औरत भी साथ में, कुछ बच्चे भी साथ में थे, अब वो इंसान जिसके घर पे शादी थी, वो उसको मां और बहन की जो गालियां आजकल दी जा रही हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, वो गालियां देकर उसको भगा रहा, उसको भगा कर एक कोने पे बिठा दिया, कहा यहाँ इंतजार करो, जब सब खा चुके होंगे ना तब तुम्हें दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, यार सोचने वाली बात है, तुम्हारे दरवाजे पे साइल आया था, तुमसे सवाल कर रहा था, तू रोटी मांग रहा था, अब तुम कहते हो कि हम रसूलुल्लाह की, क्या तुमने मौला अली की जिंदगी को नहीं देखा, क्या तुम
ने रसूल ए कायनात की जिंदगी को नहीं देखा। मुस्तफा बाद में खाते थे, पहले दूसरों को। कभी कभी ऐसा होता 14 दिन चूल्हा नहीं जलता था, कभी 1 हफ्ता नहीं जलता, कभी 8 दिन जलते थे, और कभी जल जाता था ना, कुछ बन जाता था ना, तो खुद को बाद में अपने आगे पेश करते थे, बाद में खाते थे, बल्कि दूसरों को पहले खिला देते थे। आज भी मुस्तफा घर पे चूल्हा जला है, आज कुछ अच्छा बन गया है। मुस्तफा ने एक प्याला लिया, सालन लेने का, सालन का प्याला लिया, घर से बाहर निकले, एक यहूदी के दरवाजे पे दस्तक दी है। देखो तवज्जो के साथ सुनो, मुसलमान के दरवाजे पर नहीं, कलमा पढ़ने वाले के दरवाजे पर नहीं, बल्कि एक यहूदी के दरवाजे पर दस्तक दी। और दरवाजे पर दस्तक दी तो कहा अंदर से आवाज है, कौन? तो मेरे आका ने फरमाया, अना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। तो अंदर से आवाज आती है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुम्हारा दीन एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तुम्हारा दीन नहीं मानूंगा, तुम्हारे कुरान पर ईमान नहीं लाऊंगा, तुम्हारे मजहब को नहीं मानूंगा, तुम्हारे दीन की दावत को कबूल नहीं करूंगा। तो मेरे आका क्या फरमाते हैं, मैं तुम्हें दीन की दावत देने नहीं आया, मैं कुरान की दावत नहीं देने आया, मैं तुमसे ये नहीं कहने आया कि मुझे नबी मानो, बल्कि मैं तो तुम्हें खाना देने के लिए आया। मैं जानता हूं तुम्हारे घर में बच्चे हैं, उन्होंने भी खाना नहीं खाया, तुमने खाना नहीं खाया, मेरे घर में कुछ अच्छा बन गया, मैं प्याला लेके तुम्हारे दरवाजे पे आ गया हूँ, लो इसको खाने को ले लो, तुम भी खा लो, अपने बच्चों को भी खिला दो। यार अगर यही मेरा हमला हमारा भी तरीका हो जाएगा ना, यही हमारा भी किरदार हो जाएगा ना, यही हम अपने अपने मुआशरे में इस चलन को चला देंगे ना, एक रस्म ये हम बना लेंगे ना। याद रखो मेरे अजीजों, ये खाना तो तुम्हारा घर में बाद में दाखिल होगा, इस्लाम पहले दाखिल। हमने इस्लाम को तलवार की बुनियाद पर नहीं फैलाया था, हमने अखलाक के मुस्तफा की बुनियाद पर फैलाया। आज इतराज करते उन्हें करने दो, लेकिन तुम अपनी रविश को बदलो। क्या तुम उसे दो रोटी नहीं दे सकते थे? वो मांगने आया था, वो सवाल कर रहा था। मेरे आका तो दूसरों को खिला रहे हैं, तुम अपनों को नहीं खिला सकते, कहां हम आ गए हैं? और खाना इतना बर्बाद होता है, इतना खाना बर्बाद हो रहा, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसे दो रोटी नहीं दे रहा, इतना सालन बर्बाद हो रहा है, रोटी फिक रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर देता भी तो उसी में से देता है। यार मेरे आका फरमाते हैं, जो तुम पसंद करो ना, वही अपने भाई को भी दिया करो। क्या ये तरीका हमारा अब रह गया है कि यही तरीका हमारा अपने शादियों में, अपनी दावतों में, अपनी फाता न्याज में किसी गरीब को भी यार बुलाया करो, किसी गरीब को बुलाकर उसको खिलाया करो। और 40वां हो या 20वां हो, मैं ये भी देखता हूँ उसकी दावत याद दी जा रही है। आज तकरीर नहीं, मैं जरूरी कुछ बातें बता रहा हूँ, सुने यहाँ, दावतें दी जा रही 10वीं और 20वीं 40वीं की, जबकि दावत लेना और देना दोनों जायज नहीं है। 40वीं की 20वीं की ये जो फातिहा होती है मरहूम की, इसकी दावत देना और लेना दोनों जायज नहीं, समझ लीजिए आप। आज हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त ये चलन चल गया, देगे बिडेगे भगवने भगवान उतर रहे हैं, और कुछ भाई साहब मजबूरी में उतारते हैं। यार अगर मैंने नहीं किया, क्योंकि यार ये अपने अब्बा से मोहब्बत ही नहीं करता, सारी दौलत हड़प के बैठ गया, ये भी टेंशन है। और दूसरी टेंशन ये भी है, अगर मैंने फला को नहीं बुलाया, वो शादी में नहीं आया, लो उसने मुझे 40वीं बुलाया, मैं उसकी शादी में नहीं जाऊंगा। ये तरीका हमारे यहाँ बन गया, जबकि दोनों चीज नहीं है, दावत देना और लेना दोनों जायज नहीं है, याद रखना मेरे अजीजों। आज हम ये खा रहे हैं ना, जिसका हक है उसको खिलाओ, हम 10वां 20वां उलमा को भी खिला रहे हैं यार, इमामों को भी खिला रहे हैं, ये इमाम साहब हैं, इनको कुछ नहीं मिला तो इन्हें खिला रहे हैं। यार ये सब चीजें उलमा इकराम फरमाते हैं, ये तो जिसका हक है उसको खिलाओ, जिसका हक नहीं उसको खिला के तुम उसका दिल मुर्दा कर रहे हो। हम कहां आ गए? ये सब तरीका बदलो मेरे अजीजों, ये भगोने इतने चढ़ाने की जरूरत नहीं, ये दावा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम 10 अमीरों को छोड़कर अगर एक किसी गरीब को पेट भर के खाना खिला दोगे, तो वो तुम उसको खाना खिलाओगे, खाना उसके पेट में बाद में जाएगा, तुम्हारे अब्बा अम्मा को सवाब पहले खिलाओ तो सही, उसको इसको खिला रहे इसका ऑलरेडी यहाँ हालत पहले से ही है, क्या वो तुम्हें दुआ देगा? और कह नमक सही नहीं था, और ये कह के जाएगा यार रोटी नहीं सही बना, यार क्या ये बना के रखा, लगता है अपने अब्बा से मोहब्बत ही नहीं करता, वो चीज तो बनवाई नहीं, ज्यादा तो बनवाया ही नहीं था, चार चीजें वो कम रह गई थी, 50 कमियां निकाल के जाएगा। इसलिए मेरे अजीज हो, छोड़ो इन रविश को,
रुपया जाया ना करो, किसी गरीब को बुलाओ उसको खिला दो। यही हमारा तरीका असलाफ का भी तरीका रहा, यही तरीका हमारा हमारे ओलमा भी बताते हैं कि गरीबों को खिलाओ, जरूरतमंदों को खिलाओ। ऐ मेरे अजीजों, और अपने घर की शादियों का माहौल सही करो, जब अपनी बेटियों को भेजा करो, ये दर्श दिया करो कि तुम यहाँ से अब जा रही हो ना, वही तुम्हारा असल घर अब है। हमने तुम्हें पाला है, हमने तुम्हारी खिदमत करी, हमने तुम्हें परवान चढ़ाया, हमने तुम्हें तालीम दी, कुरान तुम्हें पढ़ाया है, हमने हदीस का तुम्हें दर्श दिया है, हमने तुम्हें अपने असलाफ का तरीका सिखाया है। अब तुम्हारी जरूरत, अब इस बात की तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम अब उस घर में जाओ, वहां पर जाकर ऐसा ना करना कि तुम कुरान को भूल जाओ, कहीं ऐसा ना करना कि तुम हदीस को भूल जाओ, कहीं ऐसा ना करना कि तुम मुसल्ला वक्त पर बिछाना भूल जाओ, कहीं तुम ऐसा ना करना कि वक्त पर वुजू करना भूल जाओ, कहीं ऐसा ना करना कि तुम बेपर्दा हो जाओ, पर्दे में आग लगा दो, कहीं तुम ऐसा ना करना कि माँ की इज्जत ना समझना, बाप की इज्जत ना समझना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम देवर की इज्जत को ना समझना। याद रखो मेरे अजीजों, जो अपनी बहनी बहन बेटियों को जब घर से रुखसत किया करो, ये दर्श दिया करो कि अब तुम घर पे से जा रही हो, असल मकाम वही है, उसका तुम्हारे शौहर का बाप तुम अपने बाप समझ, उसको बाप समझ लेना, शौहर की माँ को अपनी माँ समझ लेना, शौहर के भाई को अपना भाई समझ लेना, शौहर की बहन को अपनी बहन समझ लेना। और वहां जाने के बाद जो मैंने तुम्हें तालीम दी है, जो मैंने तुम्हें दर्श दिया है, उस पर मुकम्मल अमल कर लेना। जब अजान तुम सुनाई, तुम्हें कानों में आवाज पहुंच जाए, तो मुसल्ला बिछा देना, नमाज पढ़ लेना, अल्लाह का शुक्र बजा लाना, सजदे में चली जाना, फिर याद रखना तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, आने वाली नस्लों की भी जिंदगी का। ये दर्द देखे हुए जो, और अपने बच्चों को भी बताओ, ये आजकल के ना ये लड़के भी ये नहीं चाहिए साहब, कुछ नहीं है, हल्के हल्के लगवा दिए, दोस्त से कहलवा रहे हैं कि यार गाड़ी होनी चाहिए, नहीं चाहिए कुछ नहीं है, होनी गाड़ी चाहिए कुछ नहीं, खाना ऐसा होना चाहिए, और कुछ चाहिए कुछ नहीं है। और एक बात और बहुत आम हो गई है, मेरे जो बराती आएंगे ना उनकी इज्जत कर लेना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए साहब, बराती है ना उनकी इज्जत कर लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यार ये भी नहीं सोच कि लड़की वालों के घर पे लेके जा रहा है, वो कितना आइटम तैयार कराता है, सोने का भी, चांदी का भी, फर्नीचर का भी, जहेज का इंतजाम करता है, उसके बाद तमाम 50 रंग के तो खाने बन रहे हैं, वो भी इंतजाम कर रहा है, उसके बाद इतनी तादाद में वहां पर तू लेके पहुंच रहा है, अब उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, अब वो क्या करता है, मजबूरन उधार लेता है, कर्जा लेता है। यार ये कहां मेरे आका ने ये दर्श दिया था, मेरे आका ने तो दर्श ये दिया था कि ऐसी शादी करो कि लड़की पर जो है जुल्म ना हो ना पाए। आज ये भी मसला है, ये लड़की वाले कहते हैं कि साहब कम से कम सरकारी तो हो, कम से कम सरकारी तो हो, कमी एक तरफ नहीं है, कमी दोनों तरफ, ये कह रही है कम से कम सरकारी हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, फिर ये भी हालात खराब है। यार कैसा ये सब तरीका है, कम से कम ये देखा होता कि मुस्तफा के तरीके पर है कि नहीं है, काश तूने ये देखा होता कि मुस्तफा का आशिक है कि नहीं, मुस्तफा का दीवाना है कि नहीं, वो असली आजम का मानने वाला है कि नहीं, गरीब नवाज का मानने वाला है कि नहीं, और आज के दौर में ये देख लेना कि आला हजरत वाला है कि नहीं, ये देखो। लेकिन आज देख रहा फोर व्हीलर है कि नहीं, घर कितने मंजिल बना, कितने मंजिल बना हुआ, एक मंजिल है, दो मंजिल है, कितने फ्लोर का घर बना हुआ है, ये सब तमाशेगिरी छोड़ो, तरीके मुस्तफा पर आ जाओ, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तदार अपनी। मेरे अजीजों ना, जब मुस्तफा ने अपनी बेटी को विदा किया था ना, अब वो पैगाम मैं आपको देकर जाना चाहता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को फातिमा को जब विदा किया था, जब आपके निकाह मौला अली के साथ में किया, और जब विदा करा था ना, जब फातिमा रो रही थी, फातिमा की आंखों में आंसू आ गए थे, अपनी बाप को छोड़ के जा रही थी, अब हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रही है, बाप की मोहब्बत छोड़ के जा रही है, बाप की शफ़क़तें छोड़ के जा रही है, बाप की मोहब्बतें छोड़कर अब दूसरे घर में जा रही है, वो मौला अली जिनके रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है, पैर में पहनने के लिए चप्पलें भी नहीं है, मौला अली के साथ में फातिमा का निकाह मेरे आका ने कर दिया है, मेरे आका विदा कर रहे हैं और कह रहे हैं फातिमा जाओ, जाओ अली को खुश रखना, जाओ अली को खुश रखना। लिहाजा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये विदा किया है, ये दर्श दिया है ना, फातिमा अपने घर में बैठी हुई है, मौला अली के साथ में है, मौला अली घर में एंट्री कर रहे हैं, मौला अली घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, फातिमा बैठी चूल्हे पे रोटी पका रही है। तवज्जो के साथ सुने मेरी और माँ और बहने, अगर इस पर अमल कर लिया तो न जाने कितने घरों की जिंदगियां संवर जाएंगी, न जाने कितने घर टूटने से बच जाएंगे, न जाने कितने रिश्ते टूटने से बच जाएंगे, न जाने कितनी तलाके होने से बच जाएंगी, इस पर अमल कर
लो रब्बे काबा की कसम, दुनिया और आखिरत सवर जाएगी। फातिमा चूल्हे पर बैठी रोटी पका रही है, फातिमा रोटी सेकती जा रही है। इधर मौला अली घर के अंदर दाखिल होते हैं, फातिमा ने मौला अली के कदमों की आहट से पता लगा लिया कि अली दाखिल हो गए। जब पता चला अली आ गए, फौरन फातिमा चूल्हे से रोटी छोड़ के खड़ी हो जाती है। क्या यही हालात हमारे घर में है? फातिमा खड़ी हो गई और देखा अली सामने है, फौरन अदब से सलाम कर लिया, सलाम वालेकुम। जब इसी सलाम किया ना, फातिमा ने सलाम किया, मौला अली ने जवाब दिया। देखते क्या है कि फातिमा के हाथ में पट्टी बंधी हुई है, हाथों से खून, पट्टी का सीना चीर के बाहर आ रहा है। मौला अली ने देखा कि यार फातिमा के हाथों में खून, पट्टी बंधी हुई। मौला अली ने फातिमा का हाथ अपने हाथ में लिया और अदब से चूम कर कहा, फातिमा ये हाथों में चोट कैसे लग गई, ये खून कैसे निकल रहा है? अब देखो कितनी मोहब्बत से फातिमा ने जवाब दिया था। अगर आज की औरत होती ना, आज की कोई बीवी होती ना, तो अपने शौहर पे तेज आवाज के तीर बरसाना शुरू कर देती, तेज आवाज के पत्थर बरसाना शुरू कर देती और ना जाने क्या क्या बकने लगती और कहती कि तुमने हमारे लिए कोई चीज ला कर ही नहीं रखी है, तुमको हमारी जो है परेशानी तकलीफ से क्या लेना देना है, तुमने तो हमारे पर ये जिम्मेदारियां सौंप रखी है, तुम्हें क्या मतलब है? मैं अपने घर चली जाऊंगी, तुम्हारा हिसाब मेरे भाई कर देंगे, जब वो आएंगे तुम्हारी मार लगाएंगे, तुम्हें हड़काएंगे, तुम्हें डांटेंगे। मैं जा रही हूँ अपने घर में और हमने अपने माँ बाप को भेजूंगे, तुम्हें वो टाइट करेंगे आके। लेकिन अल्लाह हू अकबर कबीरा, फातिमा जवाब देती है मौला अली को, कहती है अली घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कुएं से पानी खींच रही थी, पानी खींचते खींचते रस्सी से हाथ जख्मी हो गए हैं, ज्यादा तकलीफ परेशानी की बात नहीं है, पट्टी मैंने बांध ली है, अभी खून निकल रहा है, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। फातिमा कितनी मोहब्बत से जवाब देती है, लेकिन मौला अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अली कहते हैं, फातिमा आप इमामुल अंबिया की बेटी हो, सारे नबियों की इमाम की बेटी हो, हमने आपके लिए सहूलियत नहीं कर पाई, हमने आपके लिए और आरामदेह चीजें नहीं ला पाए, आप कुएं से पानी खींचती हो, आपके हाथों में तकलीफ हो गई है, आपके हाथ जख्मी हो गए, अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना था, मौला अली की आंखों में आंसू आ गए हैं, फातिमा ने अपना हाथ लिया और मौला अली के मुंह पे रखा और कहा, हुसैन के अब्बा अब दोबारा ऐसा ना कहिएगा, इसलिए जब मेरे बाबा ने मुझे मेरा निकाह आपके साथ में किया और आपके साथ में निकाह करने के बाद जब मेरे बाबा ने विदाई करी थी तो कहा था, फातिमा मेरे अली को खुश रखना, इसलिए रब्बे कायनात मेरे खानदान में सबसे ज्यादा अली से मोहब्बत करता है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि रब्बे कायनात मेरे शौहर से सबसे ज्यादा प्यार। और क्या और चाहिए जिससे रब्बे कायनात जिससे राजी हो जाए, उससे फातिमा भी राजी, उससे मुस्तफा भी राजी। अगर यही हमारे घर का हाल हो जाए तो तलाक नहीं, घर नहीं टूटेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की ने फोन कर दिया अपने मायके में और जरा से कोई बात होगी, फौरन वो दंदनाते हुए चले आ रहे, पूरी फौज लेके चले आ रहे, साहब उसको भी मसले को हल कर देंगे। यार क्या मतलब होता है? अगर कोई बात हो गई है ना, प्यार से समझा दो कि बेटी अगर कोई बात होगी ना, वहीं खत्म कर दो, अगर ज्यादा बड़ा होगा ना रिश्ते हो सकता है टूट जाए। मुस्तफा ने फरमाया कि रिश्ते तोड़ो नहीं, रिश्ते जोड़ो। हम रिश्ते जोड़ने वाले हैं ना, हम रिश्ता जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले। अरे यार ऐसे समझ लो, नजासत अगर कपड़े पे लग जाए तो क्या हम कपड़ा काट देते हैं? अब बताओ ना मेरे भाई, क्या हम कपड़ा काटते? सब लोग बोले, कुछ लोग बोले इस तरह सर इतना भारी हिला रहे हैं, बस तकरीर खत्म मेरी अब। और तकरीर तो थी नहीं, मैंने आज जरूरी कुछ बातें बता दी है, सर ना हिलाओ, जबान से जरा बोलो, कपड़ा काटते हो कि धोते हो, क्या करते हो बताओ? यार नजासत लगती ना, कपड़ा नहीं काटते होगे बल्कि धोते होगे। इसीलिए अगर घर में कोई परेशानी हो जाए, किसी से कोई बात हो जाए ना, तो उसे घर से ना निकालो बल्कि उस मसले का हल तलाश करो। मेरे आका फरमाते हैं, जितनी मोहब्बत करो ना उससे और ज्यादा मोहब्बत करना शुरू कर दो, मसला खुद हल हो जाएगा, मियां बीवी की लड़ाई खत्म हो जाएगी। आज मियां बीवी जरा दे, मैं उसको तलाक, अभी इतनी तलाक दे रिया, इतनी तलाक, मसला तो तीन तलाक पे था, तीन तलाक दे तब वैसी बाहर हो जाएगी। लेकिन जब तलाक देने पे आदमी आता ना, इतनी तलाकें दे रहा, जरा 50-60 दे देता है, फिर सवाल करता, फोन करता है, यार मौलवी साहब मैंने एक बार में एक ही जमात में एक ही दर्स में ना 500 दे दिए, क्या तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी? तीन नहीं दी है, 500 दे दी है, तलाक पड़ी कि नहीं पड़ी? कि सब राइट सी बात है, तलाक पड़ी कि नहीं? नहीं, गुस्से में दी थी, क्या गुस्से में भी हो जाएगी?
ये अब बनाना चाह रहे हैं किसी तरीके से बन जाए यार, गुस्से में दो या शराब के नशे में दो, दोनों में तलाक पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कोई गलत काम तो गुस्से में ही होता है, जब गुस्सा आता शैतान हावी हो जाता है। जब मेरे उलमा फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं कि जब गुस्सा आया करे तो लाहौल बड़ा करो। अब दे रहा एक आराम 85 दे रहा, फिर कह रहा है कि होगी कि नहीं होगी। मेरे अजीजों ये नौबत ना लाओ। अगर कोई लड़की घर में तुम्हारी आई है, किसी ने भेजा है ना, अगर चे वो थोड़ी शरारती हो, बात ना मानती हो, तो मेरे आका फरमाते हैं कितना अच्छा यार पैगाम मेरे आका ने दिया है, इस पर अमल तो करके देखो। मेरे आका फरमाते हैं लड़की जो ना, औरत जो ना सूखी लकड़ी की तरह है, जो टेढ़ी लकड़ी होती ना वो सूखी लकड़ी, उसको सीधा करना आप चाहेंगे तो क्या होगा? अरे बताओ क्या होगा? उसका टूटेगी नहीं टूटेगी। इसी तरीके से औरत को समझ लो, अगर अगर वो शरारती है ना, वो नहीं तुम्हारी बात मान रही है, उसको ज्यादा तुम उस पर प्रेशर बनाओगे ना, फिर वही मसला आएगा कि वो हो सकता है तुम्हारे पर भी शुरू हो जाए, बजाय बनने के और बिगड़ जाए। समझ रहे हो ना? मैंने देखा है कि वो हाथ में डंडा लेकर फिर शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनको भी हश्र के मैदान में जवाब देना होगा। ऐसा ना करो, ये तुम्हारे शौहर हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर सजदा करना अल्लाह के अलावा किसी को और भी जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। इतना बड़ा मकाम है शौहर का। लेकिन शौहर भी अगर सुधर जाए तब की बात है। औरतों से कहें कि तरीके जो है तरीके फातिमा को अपना ले, देखो फिर कितना अच्छा माहौल हो जाएगा। वो कहता नहीं उससे नमाज पढ़ने के लिए, वो खुद ही नहीं पढ़ रहा। अगर तू भी कह देना ऐ मेरी बीवी तू मुझसे मोहब्बत करती है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तेरी जरूरतों को मैं पूरा करता हूँ, तेरे हुकूक जो है ना मैं सब अदा करूंगा, लेकिन तेरे ऊपर जो फर्ज है ना तू वो भी तू अदा कर ले। फजर की अजान होगी, जा ना मुसल्ला बिछा ले, जा नमाज पढ़ ले। अल्लाह अकबर कबीर, तुम्हारे घर का अगर यही माहौल होगा ना, जब नई कोई औरत आएगी तुम्हारे घर में ना, कोई औरत कोई लड़की तुम्हारे घर में आएगी ना, वो देखेगी ना कि मेरी सास ना फजर की अजान सुनती है तो वजू करके मुसल्ला बिछा देती है, वो तो अल्लाह अल्लाह कर रही है, इबादत कर रही है, मैं कैसे सोती रहूं, मेरे निगाह पड़ रही है तो बाप भी उठ रहा, मेरा ससुर भी उठता है, वो भी वजू करता है, सर्दियों की तवील रातों में भी देखता है ना, वो देखो कि सर्दियों को भी नहीं देखता है, ठंडे पानी से वजू करता है, मुसल्ला बिछा दे है, अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो जाता है, सजदे में चला जाता है। ये औरत देख रही होगी जो तुम्हारे घर में अभी नई नई आई है, वो तुम्हें देख रही, तुम्हारी औरत को भी देख रही, तुम्हारे बच्चों को भी देख रही, वो देखेगी कि सास सजदे में है, ससुर सजदे में है, देवर सजदे में है, ननद सजदे में है, अरे सब सजदे में गए, तो मैं कैसे बिस्तर पे हूं? वो भी बिस्तर को छोड़कर सजदे में आ जाएगी। रब्बे काबा की कसम, सब नमाजी हो जाएंगे तो बरकतें तुम्हारे घर का तवाफ करना शुरू। जब सब सजदे में होंगे तो फिर जो आने वाली औलादें होंगी वो भी इंशाल्लाह गुलाम रसूल बनेंगी, आशिक रसूल बनेंगे। जो आशिक रसूल होगा वो माँ बाप की भी इज्जत करेगा, घर वालों की भी इज्जत करेगा, जो मुस्तफा की इज्जत नहीं समझेगा वो किसकी इज्जत समझेगा? इसलिए मेरे अजीजों ये आप तक मैंने पैगाम मैंने पहुंचा दिया है, इस पर अमल करने की कोशिश करना। अपने बरात शादियों में खाने का जो मामला रहता है उसको बर्बाद ना करना। मेरे आका ने एक मरतबा अपने घर में दाखिल हुए, एक रोटी का टुकड़ा पड़ा देखा तो उसको उठाया, उसको साफ किया, चूमा और उसको खाया और कहा ऐ आयशा, ये जमीन आसमान की बरकत से है, ये जमीनों आसमान की बरकत से है, रिस्क जिससे नाराज हो जाता ना दोबारा पलट कर उस कौम की तरफ नहीं आता। अब समझ लो मेरे अजीज, वो एक रोटी का टुकड़ा पड़ा था सिर्फ, और यहाँ क्या होता है ना, बोरियां भर भर के रोटियां जो है नांदियों में फेंकी जा रही होती, नालियों में फेंकी जा रही होती, उसको सुखाया जाता है, उनको बेचा जाता है। मेरे अजीजों रोटी को बर्बाद ना करो, रिस्क को बर्बाद ना करो। मेरे अजीज रिस्क की इज्जत करो, रब्बे कायनात तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। तुम रिस्क में बरकत देखोगे कब? जब तुम उसका एहतराम करोगे, उसकी इज्जत करोगे। आज हमने ये सब क्या कर रहा, उसको उठा के फेंकना शुरू कर दिया, कोई मांग सवाल करने आ जाए उसको नहीं देंगे, लेकिन रिस्क तबाह कर देंगे। इसलिए मेरे अजीजों अपने घरों में खड़े होकर खड़े होने का खाना जो रहता है ना स्टैंडिंग वाला, उसको खत्म करो। कोई खड़े होकर खाने की जरूरत नहीं, अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं बीमारियों की जड़ है खड़े होकर जो खाना खाते हैं, ये खड़े होकर खाना बंद करो। और जो एक रस्म और चली है जूता चुराई, इसको बंद करो मेरे अजीजों, चुराने की कोई जरूरत नहीं है। जूता मत चुराओ, जो तुम्हें रस्म मनानी है रुपया पैसा देना वो दे दो, लेकिन जूता ना चुराना। शान मोहम्मद साहब, पैसा देना है जो भी दे देना, लेकिन जूता चुराई वाला मसला नहीं होना चाहिए।
ये चोरी क्या मतलब होती है? चोरी होती, कुरान तो कह रहा कि हाथ काट दिया जाए चोर, ये कुरान कह रहा है यार। और तुम पैसा दे रहे हो, तुम्हें पैसा देना वैसे भी देना है, तो इस रस्म को खत्म करो कि तुम्हें पैसा देना पैसा दे देंगे लेकिन जूता नहीं चुराया जाएगा। एक बात और याद रखें, मैं जरूरी बातें बता रहा हूँ, एक बात और सुने। मर्द हजरात अपने हाथों में मेहंदी लगाते हैं, शायद आज ही रात लगाते हैं, और ये मेहंदी मर्द के लिए जीनत के लिए जो लगाई जाती है वो हराम है। जो हाथों में लगाई जाए या पैरों में, मर्द अपने दाढ़ी में और सर में लगा सकता है, बालों में। मर्द के लिए जीनत के लिए मेहंदी लगाना पैर में या हाथ में हराम है, हराम। याद रखना मेरे अजीजो। अब वो एक और रस्म होती है, मैं ज़हन में आ रही हूँ तो मैं बताता जा रहा हूँ। वो कुछ नेलपॉलिश वगैरह क्या होती है, वो लगाई जाती है, लेडी वगैरह आती है वो लगाती हैं। ये सब तमाशा की जो भी तुम्हारा क्या 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 होता है वो सब अपनी लिस्ट आपको दे देंगे, उनको लिस्ट को पढ़ो, कहना ये सब नहीं होगा, इसका जितना बनता है वो मुझसे ले लो। लेकिन ये रस्म जब हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला दूसरे लोग देखेंगे वो भी इस पर अमल करेंगे। हम अच्छी कोशिश तो करके देखें, हम पहल करके तो देखें इंशाल्लाह ताला। ना जूता चुराई होगी, ना मेहंदी लगाई जाएगी, ना नेल पॉलिश लगाई जाएगी, और वो आतिशबाजी, ये ढोल और ये पटाखे, ये सब बंद करिए। एक तरीका बनाइए, मौला अली का जब फातिमा से निकाह हुआ था ना तो खजूरें बटी थी, एक ये भी आया था लौंग भी आई थी, और मौला अली फातिमा का निकाह तो रब्बे कायनात ने जन्नत में कर दिया था, वो तो फिर यहाँ दुनिया में हुआ था। मौला अली तशरीफ ले गए थे, वक्त नहीं था मैं इस पर भी गुफ्तगू करता, लेकिन मेरे अजीज अपने यहाँ का माहौल सही करो, उन पर लड़की वालों पर भी जुल्म ना करो, उन पर प्रेशर ना बनाओ, जिन पर वो बता सके कि इतने लोग को हम खिला सकते हैं उतने लेके जाओ, अपने घर में जितने बुला सकते हो उतनों को बुलाओ, तुम भी कर्ज ना लो, तुम भी उधार ना लो, जितना तुम खिला सकते हो उतना लोगों को खिलाओ। वलीमा करना सुन्नत है, लेकिन हद से ज्यादा बढ़ जाओ उसमें कर्जा भी हो जाए तो ऐसी क्या सुन्नत फायदा देगी। इसलिए मेरे अजीजों ये मेरे आका का तरीका अपनाओ, इंशाल्लाह बाहर आएगी इंशाल्लाह ताला जिंदगी तुम्हारी जो है दोनों जहां में कामयाबी मिलेगी। और मेरे अजीजों ये नियाजे फातहा वगैरह भी कराते रहो, लेकिन साथ ही साथ में नमाज पढ़ते रहो। हम नमाजों से बहुत दूर हो गए हैं, इसीलिए आज हमारे दिल मुर्दा हो गए। आज चारों तरफ जो अग्यार हम पर ना जुल्म कर रहे हैं ना, हमारे घरों में आग लगा रहे हैं, हमारे घरों को हमारी मसाजिद को आग लगा रहे हैं, हमारी मदारिस में आग लगा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन सिर्फ ये और सिर्फ ये है कि हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया। आज वो समझ रहे हैं कि मुसलमान तो मसाजिद को आबाद नहीं करते, अब मसाजिद तो वैसी भी जो मसाजिद वीरान पड़ी होती ना वो रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला इसने हमें वीरान कर दिया तो इनकी जिंदगियों को वीरान कर दिया। ये मस्जिद के मिंबर और मेहराब, ये मस्जिद की दर, ये दर 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 दीवार, ये मस्जिद की मीनारे अल्लाह की बारगाह में कर दुआ करती है, मेरे मौला तो इन्होंने हमें वीरान किया तो इनकी जिंदगियों को वीरान कर दे। आज यही वजह है कि हर जगह हमें काटा जा रहा है, चाहे वो त्रिपुरा का मसला हो, चाहे वो मुंबई का मामला हो, या कहीं का भी मसला हो। आज देखो ना मसाजिद हमारी महफूज, ना हमारी मदारिस महफूज, ना हमारी जानें महफूज, ना हमारा अकीदा महफूज, ना हमारे घर की इज्जतें महफूज, सिर्फ इसलिए कि हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया। कहां हम आ गए, हमारी नमाजों का पता नहीं, फजर का हमारा पता नहीं, जोहर का हमारा पता नहीं, असर का हमारा पता नहीं, मगरिब का पता नहीं, इशा का पता नहीं। बास तो ऐसे भी हैं जो जुमे की भी नमाज नहीं, बास तो ऐसे भी हैं जो ईद की तो ईदैन है ना छोटी और ये बड़ी ईद कहा जाता वो भी नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर, क्या बनेगा यार उनका, क्या बनेगा उनका। याद रखो मेरे अजीजों, उसी पेड़ पर कुल्हाड़ा चलता है जो याद इलाही से गाफिल हो जाता है, शाख पेड़ से वही टूटकर जमीन पर आकर गिरती है जो याद इलाही से गाफिल हो जाती है, पत्ता वही टूटकर जमीन पर दम तोड़ता है जो याद इलाही से गाफिल हो जाता है, मछली वही जाल में फंसती है जो याद इलाही से गाफिल हो जाती है, परिंदे उसी परिंदे का शिकार होता है जो याद इलाही से गाफिल हो जाता है, उसी जानवर जाल में फंसा जाता है जो याद इलाही से गाफिल हो जाता है। सैयद ताइफा हजरत चुनैद
حضرت بغدادی کے پاس ایک صاحب نے پنجڑے میں ایک پرندہ پیش کیا اور تحفے میں دیا سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے وہ پرندہ لیا اپنے پاس رکھ لیا پنجڑے میں ہے ایک عرصہ گزر گیا ایک دن اس کو آپ کھول رہے تھے اس کو اڑانا چاہ رہے تھے تو اس پرندے نے کیا جواب دیا اب توجہ کے ساتھ سن میرے عزیزو تم غوث اعظم سے محبت تو کرتے ہو یقیناً محبت کرو کیاروی بھی مناؤ لیکن ان کے جو ہے طریقے پر بھی عمل کرو سرکار کو جنید بغدادی جب پنجرے سے پرندے کو نکالتے کہ نا وہ اڑنے سے پہلے ایک پیغام دینا چاہتا ہے اور کہتا ہے جنید بغدادی ایک پیغام میرا نوٹ کر لو کیا تمہارا کیا پیغام ہے اس نے کہا تھا سوچو میرا حال یہ ہوا کیوں تھا اس لیے ہوا تھا کہ بس میں ہر وقت دن بھر اللہ کی تسبیح پڑھتا رہتا تھا دن بھر اللہ اللہ کہتا رہتا تھا ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا لیکن جیسے ہی ذرا دیر کے لیے میں اللہ کی عبادت سے دور ہوا اللہ کی تسبیح جیسے ہی میں نے روکی میرا شکار کر لیا گیا اللہ اکبر کبیرہ جیسے ہی یاد الہی سے غافل ہوا فوراً شکار ہو گیا پنجرے میں بند کر دیا گیا اب جنید بغدادی سے یہ پرندہ اڑتے اڑتے کہتا جا رہا تھا کہ اے جنید بغدادی میرا آخری پیغام اور نوٹ کر لو اور اپنے آقا کی امت کو یہ پیغام دے دینا ارے جب میں ذرا دیر کے لیے یاد الہی سے غافل ہو گیا تو میرا شکار کر لیا گیا تو مجھے سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں ان انسانوں کو کیا ہوگا جو ہر وقت یاد الہی سے غافل ہو گیا کیا بنے گا ان کا جو ہر وقت یاد الہی سے غافل نہ ذکر میں کی محفل میں وہ آتے نہ جلسوں میں وہ آتے نہ میلاد میں جاتے بلکہ موبائل کی فحشہ فلموں ہر وقت ہوئے رہے کہاں آج ہماری مساجد لائی جا رہی اللہ کی شان میں گستاخی کری جا رہی نبی کی شان میں گستاخی کری جا رہی اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے سکون سے زندگی گزار رہے کیا مطلب آپ کو یار مولانا صاحب حالات بہت خراب ہیں بولنے کا اگر بولے گا تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا ہماری جان چلی جائے گی یاد رکھو میدان محشر میں کیا جواب دو گے کیا رب تم سے نہیں پوچھے گا جب مساجد میں آگ لگائی گئی جب جب قرآن میں آگ لگائی گئی جب مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کری گئی جب اللہ کو گالیاں دی گئی تو اس وقت تم کیا کر رہے تھے کیا نہیں پوچھا جائے گا ارے یار ہماری تو نمازیں بھی نہیں ہیں ہماری تو عبادات بھی نہیں ہیں جو عابد ہوگا سوال اس سے بھی ہوگا اگر اس نے اس میں حصہ نہیں لیا تو اس کی بھی عبادت اس کے منہ پہ ماری نمازیں کام نہیں آئیں گی امام مالک سے پوچھا گیا تھا امام مالک سے پوچھا یہ بتائیے جب مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کری جائے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تو امام مالک نے کہا تھا اس مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے بدلہ لے کہا بدلہ اگر نہ لے تو کہا پوری قوم کو مر جانا چاہیے ہم ایسی زندگی سستی زندگی گزار رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو چھوڑ بیٹھے ہمیں چاہیے کیا ہے ہم اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا محبت رسول میں زندگی گزارنی ہوگی عاشق رسول بننا ہوگا اور ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ جان مانگو تو جان دے دیں گے مال مانگو تو مال دے دیں گے لیکن ہم سے یہ ہرگز نہیں ہو سکے گا کہ نبی کا چاہو چلا میدان محشر میں پوچھا جائے گا جب مصطفیٰ کی شان میں گستاخی ہوئی تو تم نے کیا کیا یہی کہو گے کہ اگر میدان میں آ جاتے تو ہماری جان چلی جاتی ہمارے ماں باپ مار دیے جاتے ہمارا خاندان قربان ہو جاتا ہمارا مال لوٹ لیا جاتا ہمارے کاروبار بند ہو جاتے کوئی عذر قبول نہیں ہوگا ایک مرد مجاہد کا مرغنی عثمانی بھی تو ہے ایک مرد مجاہد کا مرغنی عثمانی بھی ہے جس نے اپنی خانقاہ کی پرواہ نہیں کی اپنی جان مال کی پرواہ نہیں کری بلکہ میدان میں آ کے بتا دیا کہ توڑ دے ہر ظلم کی بڑھ کر کلائی توڑ دے تو غلام مصطفیٰ ہے بزدلی چھینے عاشق رسول بنو میرے عزیزو اچھا کھاؤ حلال کھاؤ حرام سے بچو پھر انشاءاللہ تمہارے دل بھی اچھے ہوں گے تمہارا دل پاک ہوگا تمہاری روح پاک ہوگی جب تم حلال کھانا شروع کر دو گے ماں کی بھی عزت کرو گے باپ کی بھی عزت کرو گے اپنے گھر والوں کی بھی عزت کرو گے اور سچے عاشق رسول بن جاؤ گے نمازیں پڑھنا شروع کرو آج ہی سے انشاءاللہ نیت کر لو کہ فجر کی سب لوگ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی سب لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد
मेरे बंदे तू अपने आगे अपने सर को रब के आगे झुका दे, इंशाअल्लाह ताला तू रब का कुर्ब पा जाएगा, तू रब के आगे झुकना शुरू कर देगा, सारी कायनात तेरे आगे झुकना शुरू कर देगी। लिहाजा मेरा ये पैगाम आज आपके नाम है कि तरीके मुस्तफा को ना छोड़ो, तरीके मुस्तफा को अपना लो, दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरे मौला परवरदिगार आलम मेरे बोलने में अगर शरई एतबार से अगर कोई गलती कोई लफ्जिश हो गई मौला उसको माफ फरमा, आइंदा इस्लाह की तौफीक रफीक अता फरमा। खूब की फूल खूब की सहर चमन फूल चुने शाद रहे, बागवा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मी वातुबिले वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।